नमस्ते, मैं सर प्रकाश कुमार गर्ग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रिलेवेंट कंप्यूटर हाई डेटा साइंस ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिमिटिव नेटवर्क इन वीडियो। इसका बॉटनिकल नेम है एम्बलिका राइज। फैमिली इसकी मिर्सिनेसी वापरकाश में से त्रिमत में रखा है, जिसमें मुस्तक विडंग और चित्रपात है। चरक में से क्रिमिनल माकेशा में रखा है, कुष्टग्न माकेशा में रखा है, तृप्तिग्न माकेशा में रखा है और शिरो विरेचक गण में स्थान दिया है। विशुद्ध में से सुरसाद्य प्रतिलादि गण में रखा है। संस्कृत में से विडंग क्रिमिग्न और चित्र तंडुर नाम से जानते हैं, जबकि चित्र बीज ए रंग का पर्याय होता है। इंग्लिश में से फॉल्स पेपर रहते हैं, इसके जो बीज होते हैं एकदम काली मिर्च की जैसे दिखते हैं, लेकिन इसकी जो स्किन होती है वो श्रृंखल नहीं होती है। हैबिटेट एम्बलिका राइज इज फाउंड इन द हिली पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एंड लोअर हिमालय डाउन टू कोकण, डेक्कन, वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। इट इज कॉमनली सीन इन द प्लेसेज ऑफ अप टू हाइट ऑफ 1500 मीटर। इट इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीलंका, सिंगापुर, साउथर्न चाइना, साउथ इंडोनेशिया एंड सब पार्ट ऑफ अफ्रीका। देखिए ये अम्बलिका राइज का प्लांट, ये सारे अम्बलिका राइज के जो फल है ये लगे हुए हैं। देखिए केमिकल कंपोजिशन एम्बली कर्सिटल क्रिस्टामिन बेंजोक्विनोन टैनिन और एसेंशियल ऑयल मिलते हैं इसके अंदर से। रस पंचर इसका रस होता है तिक्त कटु, गुण होता है लघु रूप तीक्ष्ण, वेट होता है उष्ण, विभाग होता है कटु, दोष शामक का होता है कफ वात शामक का प्रभाव से ये क्रिमिग्न होता है। विडंग क्रिमिग्न नाम चरक ने अग्र प्रकरण में कहा है। क्रिमिग्न द्रव्य में विडंग को श्रेष्ठ बताया है। इसका अलावा व्यापक का है, इसके अलावा सुषुप्त में कहा है। विडंग तैलानी कटनी कटु विपाकानी सराणी अनिल कफ क्रिमी क्रिमी कुष्ठ प्रवेह शिरो रोग अपराणी च। और भाव प्रकाश ने इसके लिए कहा है विडंग कटु तीक्ष्ण उष्णम वृक्षम वन्हीकरम लघु, अग्नि को जीवन करने वाला होता है, वन्हीकर होता है। चिलम आत्मान उदर श्लेष्म कृमि वात विबन लघु, अर्थात शूल आत्मान उदर रोग कफज रोग कृमि वात और विबंध का नाश करने वाला होता है। कर्ण क्रिमिग्न जंतुग्न कुष्ठग्न होता है, दीपन पाचन और अनुलोमन कर्म करता है, रक्त शोधक होता है, ग्रंथि को दूर करने वाला होता है, मूत्र जनन कर्म करता है, गर्भ निरोधक होता है, वर्ण्य होता है, कुष्ठग्न होता है, रसायन होता है, नाड़ी बल्य होता है और शिरोविरेचक होता है। इसका उपयोग हम कृमि रोग में करते हैं, जैसे तंतु या गंडो पत्री में होते हैं, जो टेपवर्म होते हैं या फिर जो राउंड वर्म होते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। अग्निबांधे में उपयोगी है, अजीर्ण वमन रोग में उपयोगी है, उदर शूल आत्मा में इसका उपयोग किया जाता है, अर्श में हितकारी है, मस्तिष्क दौर्बल्य और नाड़ी दौर्बल्य का नाश करता है, मस्तिष्क नाड़ी को बल प्रदान करता है, वात आदि में उपयोगी है, इसलिए इसका उपयोग अपस्मार आक्षेप पक्षाघात में किया जाता है। दंत रोग में उपयोगी है, जैसे कि कृमि दंत दांत में कीड़े पड़ गए, दंत शूल अगर दांत में दर्द हो रहा हो तभी उपयोगी है। चर्म रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, स्किन डिजीज में जीर्ण प्रतिशय अगर पुराना जुकाम होता है इसमें यूज करते हैं, कामला यानी कि जॉन्डिस में उपयोग किया जाता है, शिरो रोगों में उपयोग किया जाता है, चरक में से शिरो विरेचन गण में भी स्थान दिया है, रक्त विकार का नाशक होता है, गंधमाला का नाशक है ये और दौर्बल्य को दूर करता है। इसका यूजफुल पार्ट है इसका फ्रूट्स, इसकी डोज होती है 5 से 10 ग्राम और उसके फॉर्मुलेशन जैसे विडंगादि चूर्ण, विडंग लोह, विडंग तेल, विडंगादि लेप, विडंगादि शहद और विडंगा रिष्ट। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डेटा सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।